हम युद्ध में हार कर आ रहे हैं। युद्ध में हार के आने वालों के लिए जयगान से स्वागत की परंपरा कब से शुरू हुई मान्य खेट हुई? दैलभराज, आप इसे अन्यथा ना ले। क्या तात्पर्य है आपका चकला देवी? क्या आप नहीं जानती कि यह हमारे लिए सामान्य पराजय नहीं, हमारे सबसे बड़े शत्रु से पराजय के बाद की वापसी है? और आप हमसे कह रहे हैं कि हम इसे अन्यथा ना ले? किस लोक में वास करती हैं आप? दैलभराज, इस जयकार का आयोजन आपके और राजकुमारी मृणाल के सकुशल और सुरक्षित मान्य खेत वापस लौटने की खुशी में किया गया है। आप जानते हैं मान्य खेत की प्रजा कितने हर्षित है ये जानकर कि मान्य खेत के सबसे बड़े शत्रु सिंहदन की मृत्यु हो गई, जिसके अंत के साथ ही इतने वर्षों से चली आ रही शत्रुता भी समाप्त हो चुकी है। प्रतिशोध समाप्त हो चुका है और अब समूचा मान्यखेट शांतिपूर्वक जी सकता है। मान्यखेट पुनः अपने गौरवशाली अतीत को वापस स्थापित करने की ओर अग्रसर होगा। मृणाल को जाने दो तैलभराज, उसे मत रोको, उसे एकांत अवस्था में छोड़ दो। इस मनोअवस्था से मृणाल को केवल मृणाल ही निकाल सकती है। महीनों से आप पृथ्वी के साथ जंगल और महलों में घूम रहे हैं। अभी तक आपकी मर्यादा सुरक्षित है। कीड़े मकोड़े भी दिवाली के दिनों में आते हैं, तो तुम लोग कभी भाई कभी बहन जब मन की, कब तक तुम लोग हमारे हाथों से पराजित होते रहोगे? सहारे तुमने अपने जीने की आदत डाल ली है, परंतु जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध से नहीं चलता है। तुमने अपने अतीत के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगा दिया, अपनी सारी खुशियों को खत्म कर दिया, परंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने भविष्य के बारे में सोचो, प्रतिशोध को छोड़कर अपने विवाह के बारे में सोचो। बेटी, शांतिपूर्ण जीवन जीने का निर्णय लेना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूं, तुम कोई सन्यासिनी नहीं हो। यूं भावना विहीन जीवन जीना तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। विवाह के बारे में सोचो, शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने का निर्णय लो। पुत्री, प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, संसार के भी कुछ नियम होते हैं। तुम्हें एक जीवन साथी की आवश्यकता है, जो तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारी खुशियों में तुम्हारा साथ दे। क्यों ना तुम अपने जीवन साथी के साथ अपना प्रतिशोध लो? पुत्री,
तुम्हारी सब बातें सुनते आए हैं, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे इस हट में हम तुम्हारा अधिक साथ नहीं दे सकते। अपने विवाह के बारे में सोचो, यही मेरी राय है और इसी में मानखेड़ की खुशियां। राजमाता, यू आपका भोजन से मन हटा लेना आपके स्वास्थ्य पे असर डालेगा। यदि आप चाहती हैं कि हम भोजन करें तो आपको भोजन करना ही होगा। खा लीजिए ना। नादर नहीं करते पुत्र, भोजन समाप्त करो, बातें फिर हो जाएंगी। आज आपको ज्यादा ही प्रसन्न जान पड़ रही है। आपने कैसे जाना? प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, जो हमारे साथ रहकर तो आपके चेहरे पर होती नहीं। आज के बाद ये प्रसन्नता हमारे चेहरे पर यूं ही दिखाई देती रहेगी। आपके साथ होते हुए खुश ना होने के सारे कारण जो समाप्त हो गए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? सिंहदंत की मृत्यु से आपकी प्रसन्नता का क्या संबंध है? सिंहदंत की मृत्यु के साथ मालवा और मानिखेत की वर्षों से चली आ रही शत्रुता समाप्त हो गई। अब मानिखेत का राज परिवार सुख चैन से रह सकता है। हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। यदि आप ये सोच रही हैं
तो आपकी प्रसन्नता निरर्थक है। जो घाव सिंगन ने हमें दिया था उसे उसके पुत्र सिंधुराज ने फिर से खुरेद दिया है। इस बार जो हमारा अपमान हुआ है उसने मालवा और मान्यखेट के बीच में शत्रुता फिर से बो दी, हमारे प्रतिशोध की अग्नि को फिर से जला दिया। पास बैठने के लिए आप जल ग्रहण कर लीजिए। जीवन का क्या फायदा जहां हार पर घृणा के साथ जीना पड़े, इससे बेहतर तो मृत्यु है। सिंधुराज पर औषधि का असर आरंभ हो चुका है और प्राकृतिक रूप से इनके घाव भी भर जाएंगे, लेकिन ये जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उससे निकालना अति आवश्यक है। अभी हमें आज्ञा दीजिए, किसी प्रकार की भी आवश्यकता पड़ी तो सूचित कर दीजिएगा। समस्त परिवार द्वारा बहिष्कृत कर देना, किसी के लिए भी इससे बड़ा मानसिक तनाव नहीं हो सकता। अकेले रहने की पीड़ा को झेलना आसान नहीं है। सिंधु को ना समझने की भूल हम सब एक बार कर चुके हैं, जिसका दंड हम सब भोग रहे हैं, और दोबारा आप सबसे ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं था मुझे। से बड़ा कोई दंड नहीं होता पुत्र, और यदि कोई प्रायश्चित कर रहा है तो उसे क्षमा करने से, अपनाने से ना केवल उसका हृदय परिवर्तन होता है बल्कि उसके अंदर एक पवित्र मनुष्य का जन्म भी होता है। पिता है तुम्हारे, और यदि पिता अपने पुत्र की गलती को क्षमा कर सकता है तो क्या पुत्र को पिता का तिरस्कार करना शोभा देता है? यह जीवन ऋण है तुम पर, उनका सम्मान करना तुम्हारा दायित्व है। सावित्री, क्या सुख दुख में पति का साथ देना पत्नी का धर्म नहीं है? कठिन समय में, ऐसे कमजोर क्षणों में पति का सामर्थ्य, उसकी शक्ति बनना पत्नी का दायित्व नहीं, उसे आवश्यकता है आपकी, आपके साथ की। मैं
आवेश में आके हमने आपके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया, हो सके तो हमें क्षमा कीजिएगा। क्षमा तो हमें हमें आपसे मांगनी चाहिए। अगर आप लोगों से हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कोशा के संबंध में अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं लाए? मेरे गुप्तचर कोशा को ढूंढने के अथक प्रयास में लगे हैं महाराज। शीघ्र ही कोई ना कोई सूचना अवश्य हम तक पहुंचेगी। इस कार्य के लिए गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आइए महारानी जटला, स्वागत है आपका। अगर ये मेरा कोठा होता तो मैं आपका ऐसा स्वागत करती जैसा आप पहले कभी नहीं हुए। अब तो महारानी जटला इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तुम्हें तो नुकसान पहुंचा ही सकती है ना, और वैसे भी महाराज तैलक पर हुए हमले का आरोप तुम दोनों पर। फिर भी महारानी जकला तुम्हें एक अवसर देना चाहती। जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी शीघ्रता से इस राज्य घराने और इस राज्य को छोड़कर जितनी दूर जा सकती हो उतनी दूर चली जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। के बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। इतनी कीमत कि तुम क्या, तुम्हारे आने वाले 7 पुश्ते भी अगर बैठ कर खाए ना तो समाप्त नहीं होगी। वाकई बेशकीमती है ये आभूषण। कुछ भी खरीद सकते हैं ना इनसे। हाँ लेकिन ये वेश्या बिकने से इनकार करती है महारानी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए महारानी इन्हें समझाना, यानी कि अपना समय व्यर्थ करना। इसी आग में समाहित हो जाना है।
क्या तुम क्या मैं, क्या मेरा क्या तुम्हारा, क्या खोना क्या पाना, एक हिचकी से आए एक हिचकी में चले जाना, बस इतना ही है जीवन का सार। फिर भी यात्रा महत्वपूर्ण है। मैं समझ गया पृथ्वी भैया, हमेशा आपके या सभी के कथन को उपदेश समझा, किंतु मर्म आज समझा। मैं आज समझा हूं कि मैंने केवल स्वार्थपूर्ण कार्य किए और आत्महत्या की कोशिश करना सोच का परिणाम था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया, कि मैं सिंधुराज परमार वंश का वंशज महाराज सिंह दंत एवं राज माता वाजदा का पुत्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद ये सिंधु राज केवल मालवा की प्रजा और अपने परिवार के हित में कार्य करूंगा। स्वार्थ आज इस अग्नि में तिरोहित हुआ भैया, मेरा भाई, मेरा इकलौता भाई। मां, पुत्र का कद जब पिता के बराबर हो जाए तो पुत्र मित्र बन जाता है। हमें आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, आइए। मान्यखेत में आपका स्वागत है पुत्र। पुत्र कद में चाहे पिता के बराबर हो जाए परंतु उसे पिता की छत्र छाया नहीं छोड़नी चाहिए। हमें पूरी आशा है कि गुरुकुल की शिक्षा ने ना केवल तुम्हें युद्ध कलाओं में कौशलता प्रदान की होगी बल्कि रणनीति और राजधर्म में भी पारंगत बना दिया होगा। एक अच्छा गुरु और गुरुकुल तो किसी को भी इन विधाओं में निपुण बनाया जा सकता है, परंतु जिसके पिता स्वयं एक वीर योद्धा हो और कुशल रणनीतिकार, उसके पुत्र के रक्त में
ये सारी कलाएं स्वयं संचालित रहती है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। गुरुकुल में समय बिताकर काफी वर्षों बाद लौटे हो, मान्यखेट का जीवन कैसा लगा तुम्हें? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपके होने वाली पत्नी विलास से मिलकर कैसा लगा? तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो सुलोचना। क्षमा करें राजकुमारी, हम जानते हैं कि आपकी मनःस्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, किंतु एक ऐसी बात है जो आपको और भी कष्ट दे सकती है, और हम चाहते हैं कि हम आपको वो बता दें। तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट कहो। जब आप युद्ध के लिए गई थी, तब तैलप राज पर एक घातक आक्रमण हुआ था। क्या, किसने किया ये? इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया, किंतु तैलप राज कई दिनों तक अचेत थे। वरादेव की कृपा है, वैद्यराज के अथक प्रयत्नों की वजह से अंततः उनकी चेतना लौटी। सुलोचना, हमारे सभी कुपचरों और अपनी विषकन्याओं को सभी दिशाओं में भेजो। कौन है ये आक्रमणकारी, पता लगाओ। जिस किसी ने भी हमारे भाई पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, उसे ढूंढ निकालो, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। हमें वो हर मूल्य पर चाहिए। तैलप, हमें अपने घाव दिखाओ। कहाँ हमला किया था उन हमलावरों ने? कहाँ? आपको कैसे पता चला कि? हमें पता चल गया है तैलप। दुख तो हमें इस बात का है कि हमें पहले नहीं पता चला। दिखाओ हमें अपने घाव। अक्का, भर गया है, निशान भी मिट गया है। आप चिंता ना करें। तुम्हारे शरीर के जो घाव भर चुके हैं, उसकी निशान हमारी आत्मा पर आकर लगे। हमारे भाई के प्राण लेने का प्रयास किया है, जब तक हम उसका नामो निशान नहीं मिटा देते, तब तक हमारी आत्मा पर लगे ये निशान नहीं मिटेंगे। अखा, गुरुआदित्य ने अपने विशेष गुप्तचरों को उन्हें ढूंढने के कार्य में लगा दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ये अच्छा संकेत नहीं है तैला। मान्यखेट के राजमहल तक कोई मान्यखेट के महाराज तक पहुंच गया और उन पर हमला करने में कामयाब भी हो गया, और हमारे गुप्तचरों को या हमारे सुरक्षा तंत्र को ना हमले से पहले कुछ पता चला और ना ही अब तक कोई पकड़ा गया है। इतने निष्क्रिय हो गए हैं ये लोग कि उनके महाराज को नहीं। अक्का, भूल कहीं ना कहीं हमारी भी है। लगातार होते युद्ध से हमारी सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी है। हमने स्वयं अपनी ताकत को छिन भिन कर डाला है। नहीं तैलप, मान्यखेट की सुरक्षा में भेद हो जाना चिंताजनक विषय है। क्यों क्यों तुमने हमें ये बात नहीं बताई? क्यों छिपाया हमसे? तैलप, तुम हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय हो। भूल हमसे ही हुई थी। हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि अपने भाई के घाव को नजरअंदाज कर दिया। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो अपराध बोध हटा दीजिए, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। आप अपने आप को दोषी मत समझिए। जिसने भी तुम पर हमला करने का साहस किया है तैलप, वो चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसे स्वयं ढूंढकर दंड देंगे। ऐसा दंड जिसे देखकर फिर कभी कोई तुम पर हमला करने का साहस भी नहीं करेगा। द
लका बहुत भावुक हो रही है। हमारा भाई मान्यखेत हमारे राज परिवार के सदस्य, हमारे अंग हैं तैलब, हमारे जीवन की प्राथमिकता है, थे, हैं और रहेंगे। अका जब तक आप हैं तब तक हमें और मान्यखेत को किसी को कुछ नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है। महारानी, आपका उपकार होगा हम पर, बस एक बार हमें तैलब राज से मिल लेने दीजिए। एक बार बस उन्हें जी भर के देख लूं, इसके अतिरिक्त हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा? तैलब राज से मिलने की तुम्हारी अभिलाषा अभिलाषा नहीं, दुस्वप्न बनकर रह जाएगी। महारानी, सिर्फ हमारी ये विनती स्वीकार कर लीजिए, बस जब तैलबराज वापस आए तो। तैलबराज वापस नहीं आए? तैलबराज आ चुके हैं, है ना? क्या है तुम्हारा तात्पर्य? यही कि आप झूठ कह रही हैं। तैलबराज आ चुके हैं, लेकिन आप नहीं चाहती कि उसकी सूचना हमें मिले, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पे आरोप लगाओ, बात भूलो कि हम कोठीवालियां आंखें बहुत अच्छी तरह से पढ़ती हैं, और यही हमारा व्यापार है। आपके चेहरे के भाव और आपके मुंह से निकले शब्दों में कोई तालमेल नहीं था। नजरें कभी झूठ नहीं बोलती महारानी जाटला। हम तो बस ये देखने आए थे कि कितनी सांसें बची हुई है, पर यहां आकर हमने देखा कि इस चार दीवारी में तुम्हारी सांसें तो घुट रही है पर जुबान में अभी भी ताकत बची हुई है। संतरी, बस इतना ही भोजन देना कि सांस चल सके। हम जल्द ही कोई निश्चित उपाय करेंगे। सवालों का जवाब ढूंढने आया है ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। ले।
चुकी है ना वो। और पिताजी भी। जिस पिता को वचन दिया था कि उनके सपने को पूर्ण करूंगा, उसी सपने ने बलि ले ली उनकी। एक बार फिर अनाथ कर दिया मुझे। जीने का प्रयोजन नहीं बचा मेरे माई को ही। तुझे तय करना होगा अपना प्रयोजन। ये अंधा युग है, ये अंधा युग बहुत सारी बलि मांगता है। तेरी परीक्षा तो अब शुरू हुई है, इतना आसान नहीं है। घास के मैदान में मिले उस अनाथ बच्चे का पृथ्वी वल्लभ कहलाना। पृथ्वी का मालिक है तू, पृथ्वी वल्लभ। अब तो परिवर्तन की हर हवा तेरी हड्डियों में चुभेगी मुंज। हर पल दर्द का राक्षस तेरे सीने में तांडव करेगा। कौन हूं मैं भाई? ये प्रश्न चीख रहा है मेरे अंतर्मन में। हूं कौन मैं? ये प्रश्न मैं कौन हूं, ये केवल जिज्ञासा मात्र नहीं है। जब तक ये प्रश्न चीर कर दो टुकड़े ना कर दे, तब तक नहीं जान पाएगा कि इसके अंदर कौन है। पूरा समूचा सच क्यों नहीं बता सकती हो मुझे माई? कौन हूँ मैं? ये कार्य तो तुझे स्वयं करना होगा। मकसद बहुत बड़ा है, जीवन छोटा, काल की गति पहचान। स्वयं चुनना होगा अपना भाग्य, अपने चिन्ह स्वयं खोजने होंगे। जा ढूंढ, समय आ गया है। और ध्यान रहे, जोखिम है, परीक्षा देनी होगी, उसमें उत्तीर्ण होना होगा, वरना सत्य हमेशा के लिए ऐसे रहेगा। फिर बहला रही हूं मैं हमेशा की तरह। समझा रही हूं, पृथ्वी वल्लभ और मृणाल के प्रेम का असल तात्पर्य समझा रही हूं। उस दिन मान्य खेत में तेरे पिता ने केवल मृणाल के परिवार की हत्या नहीं की, एक ऐसे जानवर को जन्म दिया था जिसका जहर पूरे मान्य खेत में फैल गया था, और एक अंधयुग का जन्म हुआ। कैसा अंधयुग माए? ना भूत ना भविष्य, केवल वर्तमान। शब्द है वो भूमि, चुनौती भी, कुंठा, प्रतिशोध, रक्तपात, ये सब अंधापन ही तो है। किंतु इनसे हिचकिचाना क्या? इनमें तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं।